subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. बिग बॉस 12 में अब बचे हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स। बिग बॉस 12 का फिनाले वीक चालू हो चुका है और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो गया है और हमारे पास अभी कुछ ऐसी खबर आई है जो सुन के आप सभी चौंकने वाले हैं। हमारे पास नाम है टॉप 4 कंटेंडर्स के। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक और कंटेस्टेंट अब निकल चुका है घर से बाहर। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि किस तरह से ये कंटेस्टेंट निकल चुका है बिग बॉस की रेस से बाहर। बिग बॉस 12 ने हर साल की तरह ये साल भी एक प्राइज मनी ऑफर करी थी ये 5 कंटेंडर्स को, और उसमें से एक कंटेंडर वो प्राइज मनी चुन के घर से बेघर हो सकता है और जाते जाते उस कंटेस्टेंट को मिल सकता है वो ब्रीफकेस जिसमें भरे हैं बहुत सारे पैसे। और इसी वजह से ये कंटेस्टेंट ने बिग बॉस 12 का विनर होने के अलावा चुना वो मनी वाला ब्रीफकेस। तो आप लोग क्या गैस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो हो गया है घर से बाहर प्राइज मनी लेकर? मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रोमिल चौधरी हो गए हैं घर से बाहर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, रोमिल चौधरी वो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने चुना मनी वाला ब्रीफकेस और छोड़ दी बिग बॉस की रेस। हालांकि रोमिल चौधरी के फैंस उन्हें बिग बॉस 12 का विजेता होते हुए देखना चाहते थे, पर रोमिल चौधरी ने पहले ही रेस छोड़ दी। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वो बिग बॉस 12 के विनर नहीं हो सकते हैं, या फिर उनकी ये कोई अलग ही रणनीति होगी। और इसी तरह से अब बच चुके हैं बिग बॉस 12 के घर में टॉप 4 कंटेंडर्स, जो है दीपक ठाकुर, करणवीर भौरा, श्रीशांत और दीपिका कक्कर इब्राहिम। आप लोग हमें कमेंट्स के जरिए ये बताइए कि क्या आप लोग खुश हैं कि रोमिल चौधरी घर से बेघर हो गए हैं। इसी के साथ मैं तुषाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। बिग बॉस 12 की ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए पॉप बॉलीवुड को।